हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं WPL 2023 के थर्ड मैच की। आप सब लोगों ने फर्स्ट मैच तो देखा ही होगा, जो कि गुजरात जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच था, जहाँ पर मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा था, 200 तक पहुँच गए थे वो। बट गुजरात जायंट्स की तरफ से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट आई थी, क्योंकि उनकी कैप्टन बेथ मुनी इंजर्ड हो गई थी, साथ ही साथ वो लोग फिर 100 तक भी नहीं पहुँच पाए थे। तो अब फर्स्ट मैच तो हो गया, मुंबई इंडियंस जीत गई। अब बात कर लेते हैं थर्ड मैच की, जो कि 5 मार्च 2023 को शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल के स्टेडियम पर खेला जाएगा, यूपी वॉरियर्स वुमेन वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमेन के बीच। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड्स, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और विनिंग प्रेडिक्शन भी। तो एक ही वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर हम लोग लाइव मैचेस करते हैं, जहां पर आपको सभी एंट्री सेशंस बताते हैं, ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। ऑलरेडी जो है PSL में हमारा टारगेट था 15 लाख का, जिसमें से 10 लाख हमने अर्न कर लिए। अगर प्रूफ देखना है ना, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं DY पाटिल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की। तो यहाँ की पिच दोनों हमारे बैटर्स और बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, दोनों यहाँ पर अच्छा खेल पाते हैं। तो बॉलर्स में पेसर्स और स्पिनर्स दोनों अच्छा खेलते हैं, पेसर्स को भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो है मौके मिलते हैं विकेट निकालने के, साथ ही साथ पेसर्स भी कमाल के विकेट्स निकालते हैं। साथ ही साथ इस ग्राउंड की बाउंड्रीज ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ एक ही बाउंड्री ऐसी है जो ज़्यादा बड़ी है, बाकी सभी बाउंड्रीज मीडियम लेंथ की है, तो आराम से वहाँ पर 4 और 6 लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ आउटफील्ड यहाँ की फास्ट है, जो कि 4 और 6 लगाने में हेल्प करती है हमारे बैट्समैन की, तो आराम से शॉट्स यहाँ पर लग सकते हैं और हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैच भी 200 तक चला गया था। तो ये हो गई हमारी DY पाटिल की पिच रिपोर्ट। अब बात करते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। तो पेसर्स ने इस ग्राउंड पर 70% विकेट्स निकाली है, वहीं स्पिनर्स ने निकाली है 30%। तो आप देख सकते हो दोनों बॉलर्स काम आते हैं, बट हमारे पेसर्स थोड़े से ज़्यादा काम आते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स, पर स्पिनर्स भी काम आते ही हैं। अब बात करते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स की। तो यहाँ पर देखोगे टोटल 3 मैचेस खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 2 खेले गए थे और WPL का फर्स्ट मैच खेला गया है यहाँ पर। और बैटिंग फर्स्ट करने पर 2 जीते गए हैं, बॉलिंग फर्स्ट करने पर 1। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 179 है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 180 है, हाईएस्ट टोटल यहाँ पर 207 बना है अब तक 5 विकेट्स के नुकसान पर, जो कि मुंबई इंडियंस वुमेन ने बनाया था, और लोएस्ट यहाँ पर गुजरात जायंट्स ने बनाया है 64 रन्स 10 विकेट के नुकसान पर 15.1 ओवर में। तो ये हो गए हैं हमारे वेन्यू रिकॉर्ड्स। अब बात कर लेते हैं गुजरात जायंट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर है हरलीन देओल राइट हैंड बैट्समैन, बेथ मुनी विकेट कीपर। आपको बता दूँ बेथ मुनी इंजर्ड है इस समय पर, डाउटफुल है उनका कि वो नेक्स्ट मैच में खेलेंगी, इसी मैच में मतलब खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, बट वो हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि गुजरात जायंट्स के पास मेन जो विकेट कीपर है वो बेथ मुनी ही हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, कैप्टन तो है ही, साथ ही साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर भी हैं ये अपनी टीम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास दयालन हिमलता, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, सबनैनी मेघना है राइट हैंड बैट्समैन, एशले गार्डनर है राइट हैंड बैट्समैन, राइटा मॉफ ब्रेक स्पिन बॉलर है, एनाबेल सदरलैंड है राइट हैंड बैट्समैन, राइटा मीडियम फास्ट बॉलर है, स्नेह राणा राइट हैंड बैट्समैन, राइटा ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर है, मोनिका पटेल लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, जॉर्जिया वेयरमैन राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर है, मानसी जोशी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, तनुजा कन्वर लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है हमारी। तो ये हो गई गुजरात जायंट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। चेंजेस आएंगे ना तो टेलीग्राम पर अपडेट दे देंगे, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं यूपी वॉरियर्स की प्लेइंग 11 जान लेते हैं। तो सबसे पहले है किरण प्रभु राइट हैंड बैट्समैन, सिमरन शेख राइट हैंड बैट्समैन, एल्सा हेली कैप्टन है यहाँ पर विकेट कीपर है, ताहिला मेघात हैं राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलर, दीप्ति शर्मा लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर है हमारी, ग्रेस हैरिस राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलर, देविका वाद्या है लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेग ब्रेक गूगली बॉलर है हमारी,
प्रवशी चोपड़ा है राइट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक गूगली बॉलर ये भी हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है। शबनम इस्माइल राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। अंजलि सरवनी है लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हमारी। तो देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त है यूपी वॉरियर्स की भी टीम। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुजरात जायंट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के स्टैट्स के बारे में कि कैसा खेले हैं लास्ट मैच में और परफॉर्मेंस कैसी रही है लास्ट के 3 मैचेस में, ये भी देख लेंगे। हरलीन देओल की बात करें राइट हैंड बैट्समैन है। लास्ट के मैच में तो कुछ कमाल नहीं कर पाई थी ये देख सकते हो, क्योंकि 2 बॉल में 0 रन आए थे और आउट हो गई थी। उससे पहले 46 रन आए थे 56 बॉल्स पे 13 रन 16 बॉलों पे। तो देख सकते हो हरलीन देओल का हम सबको पता है कि जब इंडिया की तरफ से खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता है, रन भी आते हैं, बस फर्स्ट मैच में बिल्कुल भी अच्छा ये नहीं कर पाई थी। उसके बाद है सबिनेनी मेघना जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। लास्ट मैच में 2 रन आए 4 बॉल्स पे, उससे पहले 26 25 बॉल्स पे 5 रन 8 बॉल पे। तो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस तो ओके प्लेयर लग रही हैं, बट लास्ट मैच में इन्होंने भी कुछ ज़्यादा खास नहीं किया था। बैथ मुनी विकेट कीपर है, इनकी अगर बात करें पता है हम सबको कितनी अच्छी ये प्लेयर है, बट इंजर्ड हो गई हैं जिस वजह से लास्ट मैच में स्कोर भी नहीं आए थे, 3 बॉल में 0 पर ही आउट हो गई थी। उससे पहले 74 रन आए थे 53 बॉल्स में नॉट आउट। तो देख सकते हो कितना अच्छा स्कोर आया था। उससे पहले 54 रन आए थे 37 बॉल्स पे। एनाबेल सदरलैंड की बात करें तो 6 रन आए 14 बॉल्स पे लास्ट मैच में ही, 26 रन 38 बॉल्स पे 30 रन 43 बॉल्स पे। तो काफ़ी अच्छी प्लेयर है, रन बना लेती हैं अच्छे खासे। वहीं बॉलिंग देखोगे बॉलिंग में थोड़ा सा इनको लेना रिस्क होता है क्योंकि विकेट नहीं निकाल पाई हैं। देखो लास्ट मैच में 3 ओवर डाले विकेट नहीं आई 32 रन, उससे पहले 3 ओवर डाले विकेट नहीं आई 16 रन 4 ओवर डाले 1 विकेट 15 रन। तो विकेट निकालती हैं कभी कभी, हमेशा विकेट नहीं निकाल पाती हैं। एशले गार्डनर है राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हमारी। लास्ट मैच में तो 0 पर ही आउट हो गई थी, उससे पहले देखोगे 29 रन आए थे 31 रन आए हैं। तो इतने रन्स बना लेंगी अगर यहाँ पर भी इस पोजीशन पर खेल के तो काफ़ी अच्छा है, बट लास्ट मैच में तो 0 पर ही ये भी आउट हो गई थी। और बॉलिंग देखोगे बॉलिंग काफ़ी अच्छी करा लेती है। लास्ट मैच में 4 ओवर में 1 विकेट आ गई 38 रन्स दिए 4 ओवर में 1 विकेट 20 रन्स 4 ओवर में 2 विकेट्स 37 रन्स। एशले गार्डनर बैटिंग में चाहे ज़्यादा रन्स ना दे पर बॉलिंग में काफ़ी अच्छा संभाल लेते हैं क्योंकि विकेट्स निकाल लेती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दयालन हेमलता राइट हैंड बैट्समैन है, जो कि इनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो लास्ट मैच में देख लो ठीक ठाक रन इन्होंने ही बनाए थे, 29 रन्स बना लिए थे 23 रन्स पे, वो भी नॉट आउट भी रही थी। उससे पहले आए तो 4 रन आए थे 7 बॉल में और उससे पहले 0 रन 2 बॉल में। नेक्स्ट है हमारे पास स्नेह राणा राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हमारी। लास्ट मैच में तो 1 रन बना के ही चली गई थी, उससे पहले 11 रन आए हैं 2 रन आए हैं, तो रनों की मैं तो थोड़ी सी कटौती चल रही है इनकी तरफ से। बॉलिंग देखोगे 4 ओवर में 2 विकेट निकाली 43 रन दिए 4 ओवर में विकेट नहीं आई 33 रन 4 ओवर में 2 विकेट 21 रन। तो बॉलिंग में स्नेह राणा काफ़ी अच्छा संभाल लेती है पर बैटिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाती है। मोनिका पटेल है लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हमारी। लास्ट मैच में देखोगे 9 रन आए हैं 11 बॉल्स में 4 रन 24 बॉल्स में। वहीं बॉलिंग की बात करोगे 2 ओवर में विकेट नहीं आई 34 रन्स 3 ओवर में विकेट नहीं आई 13 रन्स 3 ओवर में विकेट नहीं आई 20 रन्स। तो देख सकते हो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही ओकेश टाइप या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। जॉर्जिया वेरहम राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर है हमारी। लास्ट मैच में तो 1 विकेट निकाली 3 ओवर डाले थे 30 रन्स दिए, उससे पहले 2 ओवर में विकेट नहीं आई 21 रन्स 3 ओवर में विकेट नहीं आई 29 रन्स। चलो अभी जो WPL के लिए खेलने आए हैं उसमें तो फर्स्ट मैच में 1 विकेट निकाल ही लिया, उससे पहले विकेट्स नहीं निकाल पा रही थी मैचेस में। मानसी जोशी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है हमारी। लास्ट मैच में विकेट्स नहीं आई, 2 ओवर डाले थे 17 रन दे दिए, उससे पहले 1 ओवर कराया 17 रन दिए 7 ओवर डाले 1 विकेट निकाली 43 रन दिए। तो ओकेज बॉलर ही बोलेंगे क्योंकि विकेट तो दोनों मैचेस में आई नहीं है, वहीं रन्स थोड़े से ज़्यादा दिए हुए हैं। तनुजा कन्वर की बात करें राइट आर्म मीडियम बॉलर है। लास्ट ही मैच का इनका स्टैट दिया हुआ है जहाँ पे इन्होंने 2 ओवर डाले थे 1 विकेट निकाल ली थी और 12 रन दिए थे। तो ये हो गई हमारी गुजरात जायंट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के स्टैट्स की इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हो गुजरात जायंट्स की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं गई है, खासकर स्कोर्स में आप देख सकते हो बिल्कुल स्कोर नहीं आए हैं। एक जो हमारी हेमलता है उन्होंने ही 29 रन बना दिए, बाकी तो किसी की तरफ से रन आए ही नहीं हैं। तो ये हो गई हमारी गुजरात जायंट्स की प्लेइंग 11 के स्टैट्स। अब बढ़ते हैं आगे यूपी वॉरियर्स की प्लेइंग 11 के स्टैट्स जानते हैं।
तो किरण प्रभु की बात करें तो लास्ट मैच में देखोगे 7 runs आए हैं 5 balls में, 9 run 9 ball में, 10 run 14 balls में। तो लास्ट के मैचेस में तो सिर्फ ओके इस टाइप की परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा तो नहीं है। आप देख सकते हो 10 run ही बनाए हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम है। वहीं नेक्स्ट है सिमरन शेख, राइट हैंड बैट्समैन, इनकी तरफ से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। लास्ट मैच में 32 runs आए हैं 24 balls में, 4 runs 3 balls में, 18 run 22 balls में, तो ठीक है, यहाँ पर भी आके 20-30 run तो बना ही देंगी ये हमारे लिए। एल्सा हैली जो कि कैप्टन है, विकेट कीपर है, लास्ट मैच में 18 runs आए हैं 20 balls में, 25 runs 26 balls में, 54 runs 43 balls में। तो एल्सा हैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैप्टन है, हम सबको पता है इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन। वहीं इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि लास्ट के थर्ड मैच में देखो इन्होंने 54 runs तक बनाए हैं, बट उसके बाद ज़्यादा रन्स नहीं आए हैं। ताहिला मेघात, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त खेलती हैं। लास्ट मैच में तो 1 run ही बनाया था पर नॉट आउट रही थी, उससे पहले 57 runs बना दिए थे सिर्फ 33 balls में, ये देखने की बात है। उससे पहले 8 runs आए थे 7 ball पे। बॉलिंग में देखोगे बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई हैं क्योंकि 2 ओवर डाले विकेट नहीं आई, 17 run दिए, 1 ओवर डाला विकेट नहीं आई 13 run दिए, 1 ओवर विकेट नहीं आई 13 run दिए हैं। नेक्स्ट है दीप्ति शर्मा, हम सबको पता है कितना ज़बरदस्त से खेलती हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है हमारी। लास्ट मैच में 20 runs आए 17 balls में, नॉट आउट रही थी, उससे पहले 0 पर ही आउट हो गई थी, उससे पहले 7 runs बनाए थे 9 balls पे। वहीं बॉलिंग देखोगे 4 ओवर में 1 विकेट निकाल ली 30 runs दिए, 1 ओवर में विकेट नहीं आई 11 run, 4 ओवर में 1 विकेट निकाली 37 runs। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेस हैरिस जो कि हैं राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर हमारी। लास्ट के मैच में तो 10 ही run बनाए थे 9 ball में, उससे पहले 7 run 4 ball में, 4 run 1 ball में। तो आप देख सकते हो अच्छी परफॉर्मेंस दी है क्योंकि कम बॉल में ज़्यादा रन बनाए हैं, क्योंकि देखो 4 ball में 7 run और 1 ball खेली उसमें चौका लगा दिया था और नॉट आउट रही थी। बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करा रही है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि लास्ट मैच में 3 ओवर में 2 विकेट निकाल ली 7 run दिए, 2 ओवर में 1 विकेट 10 run, 5 ओवर में 1 विकेट 8 run। तो देख सकते हो रन्स काफ़ी कम देती हैं और विकेट भी निकाल लेती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देविका वैद्या, लेफ्ट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक गुगली बॉलर हमारी। इनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो बैटिंग में तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि लास्ट मैच में तो 0 पर ही रही थी, एक ही बॉल खेल पाई थी, ज़्यादा बॉल नहीं, मौका नहीं मिला था इन्हें और नॉट आउट रही थी। बट उससे पहले देखोगे 16 बॉल्स में 9 run, 14 बॉल्स में 11 run। तो T20 में ऐसा परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख सकता है क्योंकि T20 में हमें कम बॉल्स पे ज़्यादा रन चाहिए होते हैं, ना कि ज़्यादा बॉल्स पे कम रन, तो ये चीज़ इनको ध्यान रखनी होगी। वहीं बॉलिंग देखोगे इनकी अगर तो 2 ओवर में विकेट नहीं आई 16 run, 1 ओवर में विकेट नहीं आई 12 run, 1 ओवर में विकेट नहीं आई 4 run। तो बॉलिंग में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रही हैं क्योंकि विकेट ही नहीं निकाल पा रही हैं। प्रश्वी चोपड़ा राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक गुगली बॉलर हमारी। लास्ट मैच में 8 runs आए 15 balls में, उससे पहले अगर बॉलिंग की बात करें तो देख सकते हो 4 ओवर में 2 विकेट निकाली 13 run दिए, 4 ओवर में 3 विकेट निकाली 20 run दिए, 4 ओवर में 4 विकेट निकाली 5 run दिए। तो प्रश्वी की बॉलिंग पे हम थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि देख सकते हो लास्ट के 3 मैचेस में तो अच्छी खासी इन्होंने जो है बॉलिंग करा के विकेट निकाली है। राजेश्वरी गायकवाड़ जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है हमारी, लास्ट मैच में देखोगे 1 ओवर कराया विकेट नहीं आई 5 run, 1 ओवर विकेट नहीं आई 12 run, 4 ओवर विकेट नहीं आई 30 run। राजेश्वरी गायकवाड़ काफ़ी अच्छी बॉलर है, लास्ट के 3 मैचेस में बेशक नहीं चली हैं बट आप मानो यहाँ पर ये विकेट निकालेंगी। शबनम इस्माइल राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हमारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त खेलती है, बॉलिंग मस्त कराती हैं। 4 ओवर में 2 विकेट निकाली 26 run दिए, 4 ओवर में 3 विकेट निकाली 27 run दिए, 4 ओवर में 1 विकेट 22 run। तो देख सकते हो 3 मैचेस में विकेट निकाली ही निकाली है और यहाँ पर भी निकालने वाली हैं। अंजलि सारवनी की बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है हमारी, लास्ट मैच में 3 ओवर कराए थे विकेट नहीं आई 25 runs दिए, 3 ओवर कराए 1 विकेट 30 runs, 4 ओवर विकेट नहीं आई 43 runs। तो अंजलि का भी परफॉर्मेंस ओके ओके ही है क्योंकि 1 मैच में विकेट निकाली है, 3 में से बाकी 2 में नहीं निकाल पाई हैं। तो ये हो गई हमारी यूपी वॉरियर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की स्टैट्स इन्फॉर्मेशन और आपने देख लिया कौन सा प्लेयर कैसा है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे अपनी ड्रीम 11 ड्रीम की तरफ, तो यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स जो कि थर्ड मैच है WBL के, इसकी अगर ड्रीम 11 की बात करें तो विकेट कीपर में एल्सा हैली को लिया गया है, बैटर्स में हरलीन दियोल है, किरण प्रभु है और दयालन हेमलता है। तो देख सकते हो कि जो प्लेयर्स हमारे गुजरात जायंट्स के हैं उनका तो हमें पता है कि वो कैसे प्लेयर है, बेशक लास्ट मैच में वो नहीं चले बट हमको पता है कि हरलीन दियोल कितनी अच्छी प्लेयर है और अच्छा खासा ये खेल सकती हैं। ऑलराउंडर्स में देखोगे आप
कि एशलेक गार्डनर है, ताहिला मेघाट वाइस कैप्टन लिया है, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस ऑलराउंडर्स से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स हैं हमारे। बॉलर्स में शबनम इस्माइल है, राजेश्वरी गायकवाड़ है और मानसी जोशी है हमारी। शबनम इस्माइल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखी है और राजेश्वरी गायकवाड़ का मैं आपको बता रही हूँ ये ज़रूर विकेट निकालेंगी ही। मानसी जोशी भी काफ़ी अच्छी बॉलर है और कैप्टन इसमें हमने लिखा है एल्सा हेली को। तो ये हो गई ड्रीम इलेवन टीम। बाकी अगर कोई चेंजेस आते हैं प्लेइंग इलेवन में तो ड्रीम इलेवन भी चेंज करके देंगे, पर वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, टॉस प्रिडिक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने पर 70% मैचेस जीते गए हैं और बैटिंग सेकंड करने पर 30%। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी यहाँ पर टॉस जीतेगा वो बैटिंग फर्स्ट चूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करने वाला है। वहीं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखोगे 179 है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर है 180। और जैसा गुजरात जायंट्स का लास्ट परफॉर्मेंस रहा था, यहाँ पर अगर ये बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो हो सकता है इस बार ये का अच्छा स्कोर एक बना के दे दे, लगभग 150 तक तो ये बना ही लेंगे क्योंकि इनके प्लेयर्स हैं काफ़ी अच्छे। ऐसा नहीं है कि इनकी टीम में प्लेयर्स नहीं है, बट लास्ट मैच में नहीं चल पाए, बट इस मैच में हो सकता है अच्छा कर ले क्योंकि हम सबको पता है सभी टीम्स न्यू हैं, प्लेयर्स को हम सब जानते हैं, बट टीम्स में जब खेलने की बात आ जाती है तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है। तो टीम्स की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तभी थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कौन सी टीम किसके सामने ज़्यादा टिक पाती है। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाएंगे और भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, विनिंग प्रिडिक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस मैच में 60% चांसेस है यूपी वॉरियर्स के मैच जीतने के और 40% है गुजरात जायंट्स के। ये हमने जो मार्केट लोड होता है उसके बेसिस पर आपको बताया है। और आपको बता दें कि धीरे धीरे गुजरात जायंट्स का जो मार्केट लोड है और भी ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि गुजरात जायंट्स के जो चांसेज हैं और भी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं मैच को जीतने के एज़ कम्पेयर टू इनका जो लास्ट मैच इन्होंने खेला है उसकी वजह से। जी हाँ, क्योंकि हमने देखा है गुजरात जायंट्स का लास्ट मैच जो हुआ है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, जिस वजह से इनका मार्केट लोड काफ़ी डाउन जा रहा है। बट ये थर्ड मैच है, क्या पता यहाँ पर गुजरात जायंट्स पूरा का पूरा मैच ही पलट दे क्योंकि प्लेयर्स तो इनके पास भी अच्छे हैं ही। तो गाइज, ये थी WPL 2023 के थर्ड मैच की मैच प्रिडिक्शन जो कि होने वाला है यूपी वॉरियर्स वुमेन और गुजरात जायंट्स वुमेन के बीच। और इस मैच में ज़्यादा चांसेस है यूपी वॉरियर्स वुमेन के मैच को जीतने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।